हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, हम जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो था वो कांगड़ा रियासत की शुरुआत की थी, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। आज जो है हम जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो महमूद गजनवी जो था, ठीक है, वैसे तो वो आया था 1001 ईस्वी के अंदर, ठीक है। उसने क्या किया था, माँ, ये ना एक लुटेरा ही था। इसने क्या किया, भारत को हर तरीके से इसने लूटा। जहां भी इसको लगा कि कहीं धन संपदा या खजाना मिलेगा, वहां पे इसने आक्रमण किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, पंजाब के प्रांतों में हर वर्ष जो था ये वहां पे आक्रमण करता था। तो 1009 ईस्वी में इसने क्या किया, ओहिंद के राजा आनंदपाल और ब्रह्मपाल के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद वो कांगड़ा में एंटर कर गया, ठीक है। उस टाइम जो कांगड़ा का राजा था वो था जगदीश चंद्र, ठीक है। हुआ ये था कि जिस टाइम उसने अटैक किया था, तो उस टाइम कांगड़ा के जो काफी सैनिक थे, ठीक है, वो अपनी खेतीबाड़ी में लगे हुए थे। और जो किला था, उस किले के अंदर मोस्टली वही लोग थे जैसे पंडित वगैरह जो वहां पे पूजा पाठ करते थे, या कुछ ही सैनिक वहां पे अवेलेबल थे, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने क्या किया कि एकदम से किले को चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर विजय पा ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1043 ईस्वी तक जो था ये कांगड़ा तुर्कों के ही कब्जे में रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तोमर वंश के राजा थे, ठीक है। तो उन्होंने ये भ्रांति फैला दी कि मुझे स्वप्न में जो देवी है उनके दर्शन हुए हैं और उन्होंने बोला है कि मोहम्मद गजनवी को तुम हरा दो, ठीक है। तो उस टाइम उसने क्या किया, फिर से वहां पे आक्रमण किया और 4 महीनों तक जो था उन्होंने किले की घेराबंदी कर रखी। अब क्या हुआ, उनको खाने की कमी हो गई। अब क्या हुआ था कि जब इसने मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा पे आक्रमण किया था, तो वहां का खजाना कुछ लूट के वहां से चला गया और अपने कुछ मंत्री वगैरह वहीं पे छोड़ गया, यानी कि जो इसके विश्वास पात्र थे उनको छोड़ के वो वहीं चला गया था, ठीक है। तो उनको जो था वो तोमर राजाओं ने वहां से भगा दिया था, ठीक है। जब उन्होंने 4 महीने तक वहां पे कब्जा करके रखा, तो खाने पीने की कमी होने की वजह से वो जो थे वहां से भाग खड़े हुए थे, ठीक है। तो तोमर राजाओं ने क्या किया, कांगड़ा को वहां से आजाद करवा दिया, ठीक है। और यानी 1043 ईस्वी तक तो ये तुर्कों के कब्जे में रहा, उसके बाद ये आजाद हो गया तोमर राजाओं की वजह से। अब फिर से 1059 ईस्वी में, ठीक है, अब जो मोहम्मद गजनवी था उसके गद्दी पर बैठा था महमूद वंश का इब्राहिम, ठीक है। तो इब्राहिम भी क्या, ये भी इंडिया में आया और इसने भी यहां आके आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 1099 ईस्वी में, 1059 से लेके 1099 ईस्वी तक इसने राज किया था। और 1070 ईस्वी में, ठीक है, इसने क्या किया, कांगड़ा पे आक्रमण किया, कांगड़ा पे नहीं सॉरी जलंधर पे आक्रमण किया था। और उस टाइम जो कटोच राजाओं थे उनसे बहुत सा जो था भाग जो था जलंधर का उसने उनसे ले लिया, यानी कि आक्रमण करके उनसे छीन लिया। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे जो त्रिग्रत का राजा था वो था राजा जगदेव चंद। फिर जो कटोच राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी को नगर कोट में जो था वो शिफ्ट कर लिया था सुरक्षा कारणों के कारण, ओके। 1170 ईस्वी के अंदर जो थे पदमचंद्र और पूरव चंद जो थे वो कांगड़ा जिले पे, कांगड़ा रियासत पे राज किया करते थे। अब क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है, दोनों भाई थे दोनों में लड़ाई होगी। और जो पूरव चंद था, ठीक है, पदमचंद जो उसका बड़ा भाई था, उससे रुष्ट होकर उसने एक नई रियासत जो थी वो बसाई थी, जो थी जसवां रियासत। इसको कई बुक्स में जसवां, कईयों में जसवान इसको लिखा गया है, ठीक है। और जब उसने जसवां रियासत की जो थी वो स्थापना करी, तो ये कांगड़ा से अलग होने वाली पहली शाखा या रियासत भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत कौन सी, जसवां थी, ठीक है। और इस जसवां की राजधानी जो थी वो राजपुर बनाई गई और इसमें बसने वाले या इसके ऊपर शासन करने वाले शासकों को जसवाल कहा गया था, ओके। अब बात करते हैं हम राजा हरदेव चंद की, जो त्रिग्रत के राजा थे,
ठीक है। तो त्रिग्रत के राजा जो थे उनका जो पुत्री थी लक्ष्मणा देवी, ठीक है, वो जो थी राजा लक्ष्मण चंद्र, जो कि कीर ग्राम जो था वो बैद्यनाथ का पुराना नाम था। बैद्यनाथ को बैद नाम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, बैद नाम। तो यहाँ पे जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में जो है वो शिलालेख पाए गए हैं, जो कि किस लिपि में है, वो है शारदा लिपि में, ठीक है। और कब के हैं, उनके ऊपर शक संबंध जो है वो 1126 ईस्वी की लिखी गई है, जो कि ईसा का वर्ष 1204 के समांतर है, ठीक है। राजा लक्ष्मण चंद्र के जो समांतर राजा थे उस टाइम पे, उनका नाम जो था वो जयचंद था, ठीक है। ठीक, ये जो राजा जयचंद थे, ठीक है, वंशावली में इनका नाम जो है जयसिंह लिखा गया, ठीक है। और इन्होंने ही ब्यास नदी के किनारे जो है लंबा गांव के निकट जो है वो एक नगर बसाया था, जिसे हम आज जयसिंहपुर के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ का जो एरिया था ये भी कांगड़ा के राजाओं के अंडर रहा है, यानी उन्होंने यहाँ पर भी निवास किया है। ये जो राजा थे हमारे पास जयसिंह चंद्र, ठीक है, इन्होंने 1200 से लेके 1220 ईस्वी तक राज किया था, ठीक है। और जो शिलालेख मिले हैं उनके अनुसार जो है इनको तिग्रत का सम्राट कहा गया है, ठीक है। अपने टाइम में जो थे ये पावरफुल राजा थे, तिग्रत का सम्राट इन्हें कहा गया है, ठीक है। और जो गांव है अभी हमने डिस्कस करा जयसिंहपुर, ठीक है, लंबा गांव में ब्यास नदी के किनारे, वो उस स्थान की जो स्थापना है वो इन्होंने करी थी, ओके। अब आ गया तुगलक वंश, ठीक है। तो क्या हुआ कि पृथ्वी चंद, जो कि 1330 ईस्वी में त्रिग्रत के राजा बने थे, तो उनके टाइम में, क्योंकि ये 30 से लेके 45 ईस्वी तक जो थे वो राजा रहे थे, ठीक है, तो इनके राज्य में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो कांगड़ा के ऊपर, त्रिग्रत रियासत जो थी उस टाइम पे, उसके ऊपर आक्रमण किया 1337 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उसने जो मंदिर था उसको उसने नहीं छेड़ा था, उसमें उसने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रूपचंद जो थे 1360 ईस्वी में वो जो राजा बने थे, ठीक है। तो रूपचंद क्या थे कि उस टाइम जो हिंदू राजा थे, मुसलमानों के जो ये शासक आ रहे थे ना उन पे आक्रमण करने के लिए, उससे वो बहुत गुस्से में आ गए थे। और ये क्या करते थे कि कभी कभी पहाड़ों से उतरकर नीचे जो थे, जो प्लेन एरियाज थे, वहां पे जाके लूटपाट करते थे, ठीक है। तो रूपचंद ने क्या किया, इन्होंने भी दिल्ली पे जाके लूटपाट करना शुरू कर दिया, ठीक है। वहां से जब ये लौट के आ रहे थे तो रास्ते में कश्मीर के जो शासक थे शिहाबुद्दीन, ठीक है, वो भी इसी तरह से लूटपाट करके आ रहे थे। तो उनकी सेना ने जो था वो रूपचंद को घेर लिया था, ठीक है। उनकी सेना काफी ज्यादा होने की वजह से आधा धन जो था इनको शिहाबुद्दीन को देना पड़ा था। उसके बाद क्या है, ये बात जब फिरोज शाह तुगलक को पता चली तो उसने धन की लालसा में, उसको पता था कि हिमाचल का जो मंदिर है उनमें बहुत सारा धन जो है वो छुपा होता है, तो उसने जो था वो त्रिग्रत के ऊपर जो था आक्रमण कर दिया, और ज्वालामुखी मंदिर जो है कांगड़ा के अंदर उसके ऊपर उसने आक्रमण किया। वहां पे उसने मूर्तियों को भी तोड़ा, ठीक है, वहां का खजाना भी लूटा, और वहां से जो है 1300 पुस्तकें जो था वो अपने साथ ले गया था। इन पुस्तकों को उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ठीक है। और फारसी भाषा में अनुवाद जब किया तो इनका नाम जो था वो रखा गया दलीले फिरोज शाही, ठीक है। और इनका जो अनुवाद करने वाला था वो था इजुबुद्दीन खालिद खाना, ठीक है। नसीरुद्दीन जो कि फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे, ठीक है, तो ये जो थे 1388 में इनके जो चार भाई थे, ठीक है, चार भाइयों ने गद्दी की लालसा में कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि पिता के बाद इसने बैठना था, ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और ये भाग के जो था वो नगरकोट के किले में आके छुप गया था। तो उस टाइम जिस राजा ने उनको शरण दी थी उनका नाम सागरचंद है, कई जगह पे संगरचंद भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि जिन्होंने 1375 ईस्वी में जो कि राजा की गद्दी पर बैठे थे, तो इन्होंने इसको संरक्षण दिया, ठीक है। उसके बाद 1389 ईस्वी तक जो थे ये नगरकोट में रहे, ठीक है। 1390 में जो था इनको दिल्ली बुला लिया गया, 90 ईस्वी में ये फिर से दिल्ली वापस आए, ठीक है, और उन्होंने अपना नाम क्या रखा, अब मुहम्मद तुगलक, और ये दिल्ली की राजगद्दी पर फिर से बैठ गए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो है वो हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और इसके बारे में ज़्यादा बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।